इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मुढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की मुढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की। भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने गुरुवार को हरदेव राम स्मृति भवन में पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पूरे देश में भाजपा द्वारा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जयंती से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक आत्मनिर्भर योजना अभियान का प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी में भारतीय एक दूसरे का सहारा बने, इसी को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते छोटे उद्योगों, मजदूरों, किसानों व श्रमिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 130 करोड़ लोगों में से जरूरतमंद लोगों को राहत दी जाएगी और इसके लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज दी है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। श्री सिन्हा ने कहा कि मनरेगा मजदूर से लेकर फुटपाथ दुकानदार तक को इसका लाभ मिलेगा। किसानों के लिए लागत का दुगुना लाभ दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस अभियान को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है, जिस पर आवेदन कर आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना का लाभ उठाया जा सकता है। श्री सिन्हा ने अर्हता रखने वाले सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की अपील की है। मौके पर किसान मोर्चा के संयोजक राजेश चौधरी, सांसद प्रतिनिधि बलराम साव, दिनेश मंडल, अमरदीप सिंह, सुबोध सिंह, राजेश वर्मा, बम साव, फेनी यादव आदि शामिल थे। श्रमिक जो काम कर रहे थे बाहर में, बड़े बड़े महानगरों में काम कर रहे थे, वो सभी काम उनके समक्ष रोजगार का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। इसमें इतने लोगों को एक बार रोजगार देना, ऐसा सरकार का कोई योजना समय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, और आपको ये भी मालूम है कि मंडी में जो स्थिति थी, मंडी के जो संचालन करता थे, मंडी में जो उसके मंडिया थे, उनको लगभग 12-15% विभिन्न प्रकार का टैक्स भी किसानों से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से किसानों को मुक्त करने राहत राहत मिला है। तो ये आत्मनिर्भर भारत में बात को क्या 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 लोगों ने क्या बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में हमारे यहाँ बाकी बात करें 26 लाख हमारे यहाँ आबादी की बात कर, 13 लाख ग्रामीण क्षेत्र, और मैं जिला अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, और लगभग मेरा 80% नहीं 90% क्षेत्र मेरा ग्रामीण है। तो हमारे क्षेत्र के संदर्भ में जो मनरेगा, उसके अलावा आप देखते होंगे कि जो हम केंद्र में ना जाके धनबाद का क्षेत्र से धनबाद और झारखंड, धनबाद में इसका क्या कुछ फायदा मिला है, लोगों को कितना फायदा मिला? धनबाद का सटीक आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मनरेगा में ढिलाई से चल रहा था, भारत सरकार के दबाव से मनरेगा को सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर लिया, और आप देखें हम मैंने पिछले 2-3 महीने में बरसात के दिनों में भी बहुत दिनों तक मनरेगा का काम तेजी से गांवों में चला, और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव के कारण होगा। ये आप कहीं आप लोगों की टीम भी गई है मनरेगा के काम गई, गुणवत्ता है कि क्षेत्रों में गई है, व्यवसाय बिल्कुल मिल गया है, तो वहाँ पर काम मैंने मिला देखे, तो ये दबाव वाला भारत सरकार का तब वहाँ पर काम देखने को मिला। आज के लिए इतना ही, बने रहिए स्टार सिटी।